तो दोस्तों बाइक के सिंपल हॉर्न की आवाज कुछ इस तरह से रहती है। ट्यूनर को लगाने के बाद दोस्तों बाइक के हॉर्न की 8 तरीके की आवाजें निकालने लगेगी कुछ इस तरह से। ये देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज हमारे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 इस बाइक के अंदर लगाने वाले हम ट्यूनर, जो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसको लगाने के बाद जो अपनी बाइक के हॉर्न होंगे दोस्तों 8 तरीके की आवाजें निकालने लगेंगे। तो दोस्तों इसको किस तरह से लगाया जाता है, हमारे पास है BS6 बाइक। चलते हैं इसके सारे कनेक्शन के बारे में आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों इस ट्यूनर को लगाने के लिए बाइक में 2 हॉर्न होना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर दोस्तों ये 4 वायर होती है, आप ये देख पा रहे होंगे। 2 येलो कलर की वायर होती है, 1 रेड और 1 ब्लैक। तो दोस्तों इन वायर का किस तरह से कनेक्शन किया जाता है आपको बतलाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये इसके अंदर जो वायर लगी होती है, जो कनेक्शन होता है अपना हॉर्न का, ये दोनों क्लिप निकाल के ये वायर हमें इन हॉर्नों से अलग कर लेनी है कुछ इस तरह से। इसको अलग कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों कुछ इस तरह की ये दोनों वायर ग्रीन कलर की रहती हैं, एक इसमें ज्यादा ग्रीन रहता है ये आप देख पा रहे होंगे, और इसमें एक हल्का ग्रीन रहता है ये आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों जो ज्यादा ग्रीन होता है इसमें निगेटिव चलता है, यानी कि माइनस की सप्लाई चलती है, और जो ये हल्का ग्रीन रहता है दोस्तों इसमें पॉजिटिव की सप्लाई चलती है। जैसे ही हम अपना हॉर्न का बटन दबाएंगे तो इसमें दोस्तों जो होता है प्लस वाला सप्लाई आएगी, यानी कि पॉजिटिव जो होगी वो इस वाले वायर में सप्लाई आएगी। और दोस्तों जो अपना ये ट्यूनर है इसका जो लाल वाला वायर है इस वाले वायर के साथ कनेक्ट करेंगे अपन, और जो काला वाला वायर है जो ये ज्यादा जो ग्रीन है इस वाली वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जो अपना ट्यूनर है हमें लगाना है बैटरी साइड में, जो साइड पैनल होते हैं किक साइड की तरफ ये हमें ट्यूनर रखना है। तो वहां के लिए दोस्तों ये वायर लंबी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमने 0.5 mm का वायर ले लिया है। इनको कनेक्ट करके और लेके चलते हैं वहां तक, उसके बाद में इसका कनेक्शन बतलाते हैं। तो दोस्तों जो वायर थी ये हमने दोनों हॉर्न वाली वायर में कनेक्ट करने के बाद ये इधर बैटरी साइड में ले आए हैं। दोनों दोस्तों जो वायर है ब्लैक है, इसमें पता कैसे चलेगा निगेटिव वायर कौन सी है पॉजिटिव वायर कौन सी है। तो दोस्तों ये पता लगाने के लिए आपको इंडिकेटर का बल्ब ले लेना है, उसके बाद में जो बल्ब है ये अपना ये ग्राउंड वाली वायर में यहाँ पर लगाना है, इसकी बॉडी वाली यहाँ पर टच करनी है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से टच हो गई है, और इसमें से कोई सी भी एक वायर इसका जो ये पॉजिटिव वाला पॉइंट रहता है ये यहाँ पर बल्ब का आप ये देख पा रहे, मैं थोड़ा सही से दिखा दूँ, ये आप देख पा रहे ये वाला जो पॉइंट रहता है इसके यहाँ पर टच करनी है, और जो अपना हॉर्न का बटन होता है उसको दबा करना है। हॉर्न का बटन दबाओ, इग्निशन ऑन है। इग्निशन ऑन करने के बाद दोस्तों इसमें अगर हॉर्न का बटन दबाने के बाद इंडिकेटर में लाइट आती है, ये जो इंडिकेटर का बल्ब है इसके अंदर लाइट आती है, तो आप समझ जाइएगा अपना पॉजिटिव वायर है। पर दोस्तों इस वाली वायर के साथ में ये जो इंडिकेटर का बल्ब हम चेक करें ये नहीं चल रहा है, तो इसके बाद में दूसरी वायर हमें चेक करनी है। हॉर्न का बटन दबाओ, देखिए दोस्तों इस वाली वायर को लगाने के बाद जो अपना इंडिकेटर की बल्ब है ये इसमें करंट आने लगा, बल्ब जलने लगा है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों ये वाला जो वायर हमारा पॉजिटिव है, यानी कि ये इसमें जो है 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो इस 12 वोल्ट की सप्लाई वाले वायर को ये जो ट्यूनर है दोस्तों इसका जो लाल वाला वायर है आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर कुछ इस तरह से जोड़ लेना है, कुछ इस तरह से जोड़ लेना है, और उसके बाद में दोस्तों इस पे कर देना है आपको टैप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों मैं आपको कनेक्शन के बारे में बतला रहा हूँ, आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कनेक्शन करने में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के निशान को आपको ऑल पे सेट कर लेना है। इस तरह की वीडियो हम जब भी डालेंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जो दूसरी वायर बची थी इसको अपन जो ब्लैक वाली वायर है ट्यूनर का इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो इसके बाद में इस पर भी अपन कर देंगे टैप। टैप दोस्तों दोनों वायर में आपको अलग अलग करना है, कुछ इस तरह से टैप कर देंगे। ये दोस्तों टैप हो गया है दोनों वायर में, ये कनेक्ट हो गई है। और दोस्तों आप जैसे ही हम अपनी बाइक का जो हॉर्न वाला बटन होता है उसको दबाएंगे तो इसमें करंट आएगा। हॉर्न का बटन दबाओ, हॉर्न का बटन दबा के रखा, और इधर देखिएगा इसमें करंट आने लगा है। ये दोस्तों इसके अंदर करंट आने लगा है, इसके अंदर लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगी है आप ये देख पा रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ से इसका अपन मोड भी चेंज कर सकते हैं,
जिस तरह से इसका मोड अपन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये दो वायर बची हैं, दोनों येलो कलर की वायर बची हैं। इन दोनों वायर को दोस्तों अपन कनेक्ट करने के बाद अपने जो हॉरन लगे होते हैं वहां तक सप्लाई लेके जानी है। तो इन दोनों वायर को कनेक्ट करने के बाद वहां तक सप्लाई लेके चलते हैं, उसके बाद में इसका जो कनेक्शन है वो आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों वहां से बाहर निकालने के बाद दोनों वायर ये हमारी इधर आ गई हैं, जो कि अपने उधर जो अपना ट्यूनर था उसकी दोनों पीली वायर में अपने ये कनेक्ट करी थी। दोस्तों ये दो वायर है और अपने ये दो हॉर्न है। तो दोस्तों दो हॉर्न के लिए इस तरह के चार पॉइंट होते हैं, चार वायर इसके साथ में कनेक्ट करनी है और ये दो है। तो दोस्तों दो वायर आपको कहाँ से लानी है और किस तरह से इसको कनेक्ट करनी है, ये देखिए दोस्तों। दोनों वायर हमने ये क्लिप लगाने के बाद इस पर टैप कर दिया है और ये दो वायर हैं कुछ इस तरह की। ये दोनों वायर दोस्तों एक एक हॉर्न में हमें ग्राउंड देना है, यानी कि अर्थिंग देनी है। और एक जो अपनी ये जो पीले कलर की वायर थी ट्यूनर पे, तो ये जो एक इस वाले हॉर्न में लगानी है और एक पल्ले वाले हॉर्न में लगानी है, और दोनों हॉर्न के साथ ये ग्राउंड लगाना है। तो इनको लगा लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखलाते हैं। दोस्तों जो एक वायर थी हमने इस तरह से चेचिस पे ग्राउंड लगा दिया है और वायर को अपन कर लेते हैं हॉर्न में कनेक्ट कुछ इस तरह से। इसी तरह से दोस्तों जो इसका दूसरा वाला हॉर्न था, ये वायर इसी तरह से हमने इसमें हॉर्न में ये ग्राउंड लगा दिया है और इसको हॉर्न में अपन लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। ये दोनों हॉर्नों में दोस्तों ग्राउंड मिल गया। उसके बाद में दोस्तों ये जो वायर है दो जो अपनी रिलेस आ रही है, एक वायर को इस वाले हॉर्न में कनेक्ट करना है और एक वायर को इस वाले, ये दोनों वायर अपन कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिएगा दोस्तों दोनों हॉर्नों में वायर दो दो कनेक्ट हो गई हैं। अब दोस्तों ये जो हॉर्न है आठ तरीके की आवाजें निकालेंगे, मैं आपको सुनाता हूँ। बाइक के दोनों हॉर्न कंप्लीट हो गए, सारा इसका कनेक्शन कर दिया। अब इसकी आपको आवाज सुनाते हैं। पहले बाइक का जो इग्निशन है वो ऑन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इग्निशन ऑन हो गया, जैसे ही दोस्तों हम अपनी बाइक का हॉर्न का बटन दबा के रखेंगे और इसके जो हॉर्न की साउंड होंगी कुछ अलग ही होंगे, कुछ अजीब ही होंगे। तो आप सुनने के लिए तैयार रहिएगा, कितने प्यारे इसके साउंड है। जैसे ही मैं अपना हॉर्न का बटन दबाता हूँ ये आवाज सुनिएगा, देखिएगा दोस्तों जो इसके हॉर्न के साउंड है कितने प्यारे साउंड आ रहे हैं। ये दोस्तों अभी एक तरह की आवाज है निकाल रहे, इसको अगर आपको चेंज करना है जो अपनी ये रिले लगी हुई है इसका एक खटका इस तरह से करना है या फिर इस तरह से करना है, किधर भी साइड में दोस्तों आप कर सकते हैं इसको इस तरह से करना हो। जैसे ही हम अपनी बाइक का हॉर्न दबाएंगे बटन, इसका दोबारा से फिर साउंड चेंज हो जाएंगे, ये देखिएगा दोस्तों। उसके बाद में जो इसका ये रिले का ये वाला जो बटन देख पा रहे होंगे आप, इसको दबाते हैं तो फिर से आवाज इसकी चेंज हो जाएगी इस तरह से। दोस्तों इसके अंदर आठ तरीके की आवाजें रहती हैं, मैं सारी आपको सुना देता हूँ। ये देखिएगा फिर से ये खटका अपन नीचे करेंगे और ये वाला बटन इसको फिर से दबाएंगे तो आवाज बदल जाएगी। ये देखिएगा सिंपल भी आवाज कर सकते हैं, जैसे कि आप ओरिजिनल हॉर्न होते हैं इस रिले से आप बिल्कुल सिंपल भी आवाज कर सकते हैं और ये आवाज आप दोस्तों बदल भी सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से दोस्तों इसके अंदर आठ तरीके की आवाजें हैं, ये देखिएगा दोस्तों। जो ऐसी आवाज आपको पसंद आए उस जगह पर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।